लगता है कि पिछले विधानसभा चुनाव के लास्ट मोमेंट में अशोक गहलोत सरकार ने 17 नए जिले बनाए, 3 संभाग बनाए, तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से फायदा पाने के लिए जल्दबाजी में उठाया हुआ कदम था? आपको लगता है कि इसके लिए पूरी व्यवस्था है राजस्थान सरकार की ओर से कर ली गई थी? प्रशासनिक स्तर पर ढांचा तैयार हुआ? मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने जितने भी पिछली सरकार ने जितने भी निर्णय लिए हैं और ये काम किए हैं, निश्चित रूप से इनको बिना समीक्षा के, बिना व्यवस्था के इन लोगों ने किया है। जिस तरह से इन्होंने मेरे शिक्षा विभाग में कॉलेज खोली है, उन कॉलेजों में कोई इन्होंने व्यवस्था नहीं की स्टाफ की, किस तरह से कहाँ पे कितने बच्चे आ सकते हैं, जो कहा उसी को दे दिया। लेकिन आज स्थिति यह है कि कहीं 8 बच्चे हैं, कहीं 20 बच्चे हैं, ये तो हमारी कॉलेजों की स्थिति है, वहाँ बच्चे भी नहीं हैं और स्टाफ के नाम पे कुछ नहीं है। निश्चित रूप से मैं उनकी भी व्यवस्था कर रहा हूँ। और जिले की जहाँ तक मैं आपको बताऊँ, जिलों की, मेरा दूदू जिला एक छोटा सा जिला, विधानसभा को अगर इतनी बात मानी तो मैं धन्यवाद देता हूँ, लेकिन इतनी भी मान लेना चाहिए कि उसका परिसीमन बढ़ाना भी चाहिए था उनका, बहुत बड़ा। लेकिन ये लोग केवल और केवल राजनीतिक फायदा लेने के लिए किया, लेकिन जनता ने वो राजनीतिक फायदा भी नहीं दिया, क्योंकि इनका काम जो वास्तविक तरीके से जो होना चाहिए वो उन्होंने नहीं किया। इसलिए अब दोबारा से हम उसकी समीक्षा करके और सारे वहाँ से अधिकारियों की रिपोर्ट लेके और निश्चित रूप से इस पर काम करेंगे।